prime minister of this country. Today the son, Mr. Mallikarjun Kharge, who is the Congress MLA and the son of Mallikarjun Kharge, says that the bacha who is not layak. That means he says na layak bacha to the prime minister. First of all, as far as Congress party is concerned, Congress party is undergoing a mental bankruptcy. They have become mentally bankrupt right from top to bottom, and they are frustrated a lot. Even the top leaders of Congress party, which includes Sonia Gandhiji and Rahul Gandhi, the type of words and the type of language they use, that itself shows that it's a frustrated lot. And it is the whole party has become mentally bankrupt. And the other leaders, just to please their senior leaders and especially the high command, they use such foul languages. Another thing is that in Karnataka, they have already lost the election. So they are frustrated. And because of that frustration, such type of venom is coming out, because the venom is there in their mind, which is coming out. But I would also like to make it very clear here that the people of the electorate of India, the electorate of Karnataka, does not approve such statements. And their love and affection for Prime Minister Modi grows more and more. And this is going to happen here in Karnataka also. But as far as Congress is concerned, the language which they are speaking, that is condemnable, that is to be condemned by one and all, and it is their frustration. They have already lost the election, and so this frustration is coming out. Do you think that the desperate mindset of the Congress is coming through these kind of words at this point of time? Certainly, it is the desperation of, and because they are losing, it is the frustration which is coming out through such language, such foul language. Mallikarjun Kharge ji, wo Congress ke अध्यक्ष हैं, उसके बाद उनके बेटा आज मल्लिकार प्रियांक खरगे इसी तरह का लैंग्वेज किए हैं कि जो बहुत लो लेवल की लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर को लेकर. अब क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालीपन से पार्टी गुजर रही है. इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफ़ी कभी मांगी नहीं, यह उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है. एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना. और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दूसरे नेता हैं, वह अपने सीनियर यानी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं. दूसरी बात यह है कि वह उनमें बौखलाहट है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वह कर्नाटक का चुनाव हार चुके हैं और इस बौखलाहट में इस तरीके का प्रयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं. पर कर्नाटक की जनता हो या भारत की जनता हो, वह जानती है अच्छे से और मोदी जी को प्यार करती है, इसलिए ज़्यादा आशीर्वाद दे करके मोदी जी को सफल बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है. कहीं आपको नहीं लगता है सर कि जिस तरह का भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री जी, जो बड़े प्रजातंत्र के नेता हैं, उनको जिस तरह के लैंग्वेज यूज़ कर रही है, ये कहीं डेस्परेशन का प्रतीक है सर? ये बिल्कुल डेस्परेशन का प्रतीक है, फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है. मन में विष है, मन में विषैलापन है, वह विषैलापन शब्दों में जाहिर हो रहा है. और बौखलाहट है, क्योंकि वो चुनाव हारते हुए उनको सामने दिख रहा है, ये चुनाव वो हार चुके हैं. उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी सर बेटे के समर्थन में आते हुए कह रहे थे कि उन्होंने जिस तरह का भाषा उपयोग ही नहीं किया, आप लोग बोल रहे हैं, ये कहीं लगता है सर बेटे को सपोर्ट बाप कर रहे हैं? वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का एज ए होल, एज आई सेड, कि मेंटल बैंकरप्सी, मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं, इसलिए उनको ये ध्यान में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या वो पक्ष में बोल रहे हैं और क्या कि उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं, उनको कुछ चीजें ध्यान में नहीं आ रहा. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.